हेवी हार्ड आई एम रिक्वायर्ड टू मेक दिस वीडियो आप लोगों ने मुझे जब भी देखा होगा किसी भी वीडियो में लेक्चर में देखा होगा आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बाकी पीपल दैट खूब मेहनत करो डबल मेहनत करो और तूफान मचा दो अपने कमिंग अटैम्प्ट में लेकिन दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम जून टू के एग्जामिनेशन के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू से दिस टू एनी स्टूडेंट दैट यू वर्क हार्ड फॉर द कमिंग अटैम्प्ट तो यार दिस इज अफिक वीडियो एड्रेस्ट टू ऑबली फेलो स्टूडेंट्स टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड आईसीएस है देखो यार कैसा है ये तो मैं भी मानता हूं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है और हम उस चीज़ को मानते हैं लेकिन इस बार की चेकिंग के अंदर जो परेशानी हुई है वो एक्सेप्टेबल लेवल की थोड़ी सी बाहर है मैं सबसे पहले जो सबसे मेजर इशू है उसको एड्रेस करता हूं इस बार के पेपर के अंदर जो चीज देख के आई वॉज ऑल्सो स्टंडल सी एम का जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पेपर का गाइडलाइन आंसर क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखेंगे द आंसर गिवन बाय आई सी एस आई इज कॉन्ट्ररी टू द आंसर गिवन इन दॉड्यूल बाई आई सी एस आई एंड एक स्टूडेंट की कॉपी जो मैंने देखी उसने आईसीएसआई के ही मॉड्यूल के आंसर के हिसाब से उसे सॉल्व किया है एंड द पर्सन हैज बीन जीरो मार्क्स आई डोंट थिंक कि ये कहीं भी एक्सेप्टेबल लिमिट के पास में भी आता है द क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ एन रिडम्पशन वैल्यू ऑफर प्राइस तो बहुत सिंपल सा तरीका है आईसीएसआई के मॉड्यूल के तकरीबन पेज नंबर 330 के आसपास इंस्टीट्यूट ने दे रखा है दॉमुला यूज विल बी रिडम्पन प्राइज इज इक्वल टू एन ए वी डिवाइडेड बाई वन प्लस बैक एंड लोड इस प्रकार का एक फॉर्मूला यूज़ करना है और उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है रिडम्पन प्राइस को और वहीं अगर ऑफर प्राइस है तो ऑफर प्राइस इज इक्वल टू एन ए वी डिवाइडेड बाई वन माइनस फ्रंट एंड लोड किया जाएगा जैसे कि हर एक स्टूडेंट जो एग्जीक्यूटिव दिया है उसको मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला इसलिए लगाया जाता है बिकॉज़ फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड जो है वो आप डायरेक्टली एन ए वी पर नहीं लगा सकते फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड इज अ परसेंटेज ऑफ ऑफर प्राइस और द रिडम्शन प्राइस जिसके कारण ये पूरा फॉर्मूला यूज किया जाता है आईसीएसआई भी अपने मॉड्यूल में यही फार्मूला यूज करता है आईसीएसआई के आज तक के सारे सजेस्टेड आंसर में भी यही फॉर्मूला यूज किया गया है बट सरप्राइजिंगली आईसीएसआई इन दी एग्जामिनेशन जून ट्वेंटी के गाइडलाइन आंसर के अंदर डायरेक्टली यूनिलेटरली सोल्यूशन चेंज कर देता है एंड सोल्यूशन रखता है दैट नाउ फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड विल बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन एन एवी और स्टूडेंट जिन लोगों ने आईसीएसआई के मॉड्यूल के हिसाब से पहले के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से आंसर लिखा है दे हैव बीन अवॉर्डेड जीरो मार्क्स एंड इन माय ओपिनियन आईसीएसए का गाइडलाइन आंसर इज रॉन्ग सो वॉट हैज टू बी डन इन दिस सीनैरियो सबसे पहले तो यार आपको ही समझना होगा कि अब स्टूडेंट को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यू हैव नॉट क्लियर एंड यू हैव टू राइट दी नेक्स्ट अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज एक गाइडलाइन आंसर गलत है और उसके कारण चेकर्स ने जीरो मार्क्स दिए स्टूडेंट्स को सो आई डोंट थिंक इट इज वेल विद इन दी लिमिट्स तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट सबसे पहले तो दैट गाइडेड आंसर हैजू बी करेक्टेड एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर स्टूडेंट जो आईसी को अप्लाई करता है जिसके अंदर उसने यह क्वेश्चन को सही लिखा है द पर्सन शुड बी अवॉर्डेड करेक्ट मार्क्स गुड मार्क्स फुल मार्क्स इफ दैट इज द बेयर दैट हैज बी डन तो सबसे पहली तो यह चीज है बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट कि एक स्टूडेंट को इस मुकाम पर यह बोला जाए कि नहीं आप इंप्रूव करो आप कैसे इंप्रूव करो आप पढ़ रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ यंड इफ चेकिंग के अंदर इश्यू है तो फिर उसके अंदर हम स्टूडेंट की गलती नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते दैट इज द फर्स्ट थिंग इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और कुछ चेकिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं है इस बार की चेकिंग के अंदर जिस प्रकार से मार्क्स दिए गए कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर पॉइंट फाइव कोई रीजन नहीं कोई लॉजिक नहीं कोई टिक नहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ एक कंप्यूटराइज चेकिंग से टिक दिख रहा है एंड पॉइंट फाइव मार्क्स आई डोंट थिंक दैट्स फेयर एंड आई बिलीव दर इज सिंसियर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द चेकिंग पैटर्न ऑफ आईसीएस है हमारा जो चेकिंग पैटर्न है उसको हमें ड्रास्टिकली इंप्रूव करना होगा और एंश्योर करना होगा कि जो क्वालिटी कंटेंट लिख रहा है स्टूडेंट द स्टूडेंट हैज़ टू गेट थ्रू और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट शुड बी एफर ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट रिजल्ट जितना एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रहता है वैसे ही रखो बट एटलीस्ट द डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गेट थ्रू

क्या अपेक्षा रखते हैं कि स्टूडेंट इंप्रोवाइजेशन देखेगा कैसे स्टूडेंट आज कॉपी मंगवाता है ताकि वो अपनी गलती समझे यहां पे एक स्टूडेंट कॉपी मंगवा रहा है एंड स्टूडेंट इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि जब मैंने आंसर सही लिखा है, तो मैं और क्या ही पढ़ के जाऊं सो आई थिंक देर इज सम ड्रास्टिक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द चेकिंग पैटर्न विच हैज टू बी टेकन इमीडिएटली इमीडिएटली एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई भी फर्दर डीले होने की संभावना है आई थिंक इट हैज टू बी डन सुपर इमीडिएटली तीसरी चीज आई थिंक आई है। आपने री का ऑप्शन अनिवार्य रूप से एक स्टूडेंट को देना होगा अगर एक स्टूडेंट को आप रीचेकिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं तो अगर उसकी कॉपी बैडली चेक हुई है तो वो अप्लाई कैसे करेगा द ऑप्शन यू गिवन इज वेरिफिकेशन जिसमें आप टोटलिंग totally चेक कर देते हैं द ऑप्शन इज फॉर सर्टिफाइड कॉपी जिसमें उसकी चेक की हुई कॉपी उसको मिल जाती है बट अगर उसको देख रहा है कि मैंने आंसर सही लिखा है और मुझे मार्क्स नहीं मिले जीरो रॉन्ग कर दिया करेक्ट आंसर के लिए तो हाउ विल अ स्टूडेंट अप्लाई उसका एक मैकेनिज्म तो चाहिए ही चाहिए अगर उसका एक मैकेनिज्म नहीं तो इट इज ऑल अ फेल देन फॉर अ स्टूडेंट स्टूडेंट इज हेल्पलेस आई सिंसियरली बिलीव कि यहाँ पर भी कुछ चेंज की बहुत प्रबल जरूरत है लुक जनरली कैसा होता है मैं तो पहली बार आई थिंक इतना एब्रप्टी कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अ फ्यू थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल अ फ्यू थिंग्स आर सिंसियरली नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट टू से बट अगर इसी प्रकार से कंटिन्यू रहा तो आई डोन्ट थिंक दैट क्वालिटी टीचर्स या क्वालिटी स्टूडेंट्स वुड बी वेरी मोटिवेटेड टू कम हियर आई डोंट थिंक सो आई थिंक इट्स अ सन्सियर इट्स अ क्लियर डीमोटिवेशन फॉर क्वालिटी टीचर्स एंड क्वालिटी स्टूडेंट्स के फिर मतलब फिर क्या ही सेंस बनता है कि अगर हम हमारा हंड्रेड परसेंट भी दे देते हैं एंड डिस्पाइट ऑफ दैट अगर ये परेशानी है तो फिर क्या जून अटैम्प्ट के एम सी एस के पेपर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ वेर एन आपने इंस्टीट्यूट ने अपना तीन सौ चार सौ पेज का एक मॉड्यूल दिया है इंस्टीट्यूट ने ही एक क्वेश्चन पेपर बनाया और क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल का कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा बट आई थिंक आई थिंक आई थिंक आई थिंक जो अभी के मेजर इशूज हैं वो ये रहेंगे कि सबसे पहली चीज गाइडलाइन आंसर हैज टू बी करेक्टेड जो भी आपको लगता है कि करेक्शन का स्कोप है उसको प्लीज रीचेक करवाओ एंड गाइडलाइन आंसर हैव टू बी करेक्टेड वो एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड रहनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि हां मैंने ऐसा आंसर लिखा तो तो फिर मुझे टॉप नॉच मार्क्स मिलेंगे सबसे पहली चीज दूसरी चीज एवरी स्टूडेंट जिसने आंसर एकदम करेक्ट लिखा है स्पेशली सिक्योरिटीज लॉ के क्वेश्चन नंबर के अंदर उसने आंसर एकदम करेक्ट लिखा है गाइडलाइन आंसर में गलत आंसर है इसके कारण उसके आंसर को जीरो अवार्ड कर दिया गया है द स्टूडेंट शुड बी गिवन मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज उसने आंसर सही लिखा है गाइडलाइन आंसर में आपके मिस्टेक थी इसलिए चेक करने मार्क्स नहीं दिए तो इस जगह पे आपका उसका मार्क्स काटना बिल्कुल सेंसिबल नहीं है अगर वो स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है उन दो मार्क्स चार मार्क्स है तो उसको क्लियर करके प्रोफेशनल के अंदर जाना चाहिए एंड आई सिंसियरली expect स्टूडेंट ऑल्सो कि आप बच्चे जब ये वीडियो देख रहे हैं आपके अगर मार्क्स उसमें जीरो वॉर्ड किए आपको सिक्योरिटी लॉ के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो आप मॉड्यूल का उस पेज का फोटो लीजिए गाइडलाइन आंसर का फोटो लीजिए आपके आंसर का फोटो लीजिए एंड राइट अ मेल टू आई दैट सिंसियरली दिस करेक्शन हैज टू बी डन एंड मुझे भी वहां पर आप सीसी रखिए आई डोंट थिंक आई थिंक जनरली एकदम हम लोग प्रेम से ही रिक्वेस्ट करते हैं हर चीज को आई बिलीव कि एक समय लगेगा एक प्रोसेस के साथ में बदलाव होगा लेकिन यहां पर इमीडिएट सोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड एंड आई सिरली एक्सपेक्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड जो बच्चे क्लियर होकर प्रोफेशनल्स में भी आ चुके हैं जो बच्चे सी एस सी बन चुके हैं एनश्योर एनश्योर दैट दिस मैसेज इज रीचिंग टू द कंसर्ड अथॉरिटी एज वेल ऑब्वियसली मैं मेरे लेवल पर भी लेटर लिखूंगा मैं मेरे लेवल पर भी मिलकर आऊंगा लेकिन एनश्योर दट दिस रीचेज टू टाइप ऑफ पीपल वन द कंसर्न अथॉरिटी एंड सेकेंड इज टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का अगर सिक्योरिटीज लॉ के अंदर इस कारण से मार्क्स कट हुआ है द पर्सन शुड अप्लाई टू आई सी एस आई एंड आई सी एस आई आइडियली यू शुड करेक्ट एंड increase द मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर केस देखिए जो व्यक्ति ने मेहनत नहीं किए कुछ बच्चे 100% परसेंट ऐसा होता है सौ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके अभी तक प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई थी जिन्होंने पूरे रेडी नहीं थे जिन्होंने पूरी मेहनत से एग्जाम नहीं दिया When दे फ्लंक इन द एग्जामिनेशन इट इज वेरी मच ओके बिकॉज आई हैज अ स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यू टू इन्श्योर कि जिसका टॉप नॉच नॉलेज है जो एकदम परफेक्ट तरीके से मेहनत कर रहा है उसी को आप क्लियर करें दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड लेकिन अगर एक स्टूडेंट सब कुछ सही लिखने के बावजूद सिर्फ चेकिंग पैटर्न के कारण फ्लंक हो जाता है तो दैट इज नोवेयर एक्सेप्टेबल एंड दिस सिंसियरली नीड्स करेक्शन इमीडिएटली सो कुछ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बेर मिनिमम जो जो स्टूडेंट्स आईसीएसआई में अप्लाई कर रहे हैं थ्रू मेल उन लोगों को इमीडिएटली रीचेकिंग का एक ऑप्शन मिलना ही चाहिए रीचेकिंग ऑप्शन मिलना ही चाहिए वन सेकेंडली जो हमारा चेकिंग पैटर्न है उसके अंदर जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करना है उसको लेके एक्शंस अभी से शुरू कर देने चाहिए ताकि डिसम्बर एट में जब हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे तब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे तब तक हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाए अगर अभी से एक्शन लेंगे तब जाके वो सिस्टम परफेक्ट होगा तो ये मेरी दो सिंपल सी डिमांड है फर्स्ट इस बार भी अभी रीचेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है उसको रीचेकिंग का ऑप्शन बिल्कुल मिलना चाहिए एंड स्पेशली मैं खुद पर्सनली खड़ा है जिन बच्चों का सिक्योरिटीज लॉ का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था उन्होंने एकदम सही लिखा है मॉड्यूल के हिसाब से लिखा है और गाइडलाइन आंसर गलत है और इसके कारण उनके आंसर नहीं मिले हैं तो यू शुड राइट अ मेल टू आई फॉर री एंड 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 आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग उन बच्चों का इसी अटेम्प्ट के अंदर मार्क्स बढ़ना ही चाहिए बढ़ना ही चाहिए एंड देन जो डिजर्विंग है दे शुड सर्टनली के थ्रू सिर्फ एक चेकिंग मिस्टेक के कारण अगर कोई व्यक्ति सी एस छोड़ने का सोचता है या फिर नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाता है तो इट इज़ रियली शेमफुल फॉर एवरी वन एंड एज ए सैड आई डोंट थिंक कि इससे कोई बहुत इवन एज ए टीचर आई एम वेरी मोटिवेटेड कि हाँ बहुत अच्छे से अच्छी अगली बार बच्चों को और डबल तरीके से पढ़ाना है बिकॉज आप अगर अपने गाइडलाइन आंसर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करेंगे गाइडलाइन आंसर में मिस्टेक करना इज़ रियली अज प्रॉब्लम यूज 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 प्रॉब्लम जिसके बेस पर हज़ारों लोगों ने कॉपीज चेक किए तो आई थिंक दीज आर समर इश्यूज आई रिपीट द टू कंसर्न एंड दे हैव टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली वन इज द री चेकिंग का ऑप्शन स्पेशली जहाँ पे गाइडलाइन आंसर के अंदर ही मिस्टेक है वहाँ री चेकिंग का ऑप्शन तुरंत मिलना चाहिए और बच्चों की कॉपीज वापस चेक होने चाहिए एज पर द रिवाइज गाइडलाइन आंसर वन एंड द सेकेंड थिंग इज डिसम्बर अटैम्प्ट में इस प्रकार की चीजें नहीं रिपीट हो सो द चेकिंग स्ट्रक्चर पेपर चेकिंग का पैटर्न है इट

एन श्योर एंड श्योर एनश्योर दैट अगर आपकी कॉपी के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिले बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू राइट ए मेल टू आई सी एस आई एंड सिंसियरली आज टू री चेक द कॉपीज लेट सी विद विथ यू एनश्योर करेंगे कि इस अटैम्प्ट का जो प्रॉब्लम वो इसी अटैम्प्ट के अंदर सॉल्व हो और नेक्स्ट अटम्प्ट के अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई सिंसियरली होप आई सिंसियरली होप कि जो इशू है वो इमीडिएटली ए सैप रिजोल्व हो जाएंगे और हमें आगे तक इशू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज टे केयर ऑफ योर सेल्फ